सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी लखनऊ से अहम खबर मिल रही है और अच्छी खबर मिल रही है। 31,661 चयनित शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है और सहायक शिक्षक भर्ती में अब 31,661 पदों पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने लिस्ट जारी की है। तो ये फिलहाल एक बड़ी खबर, अब तक का इंतजार। बेसिक शिक्षा जो टीचर्स हैं उनके लिए सहायक शिक्षक जो है अभी तक इंतजार कर रहे थे और वैसे में यहाँ पर ये राहत वाली खबर है क्योंकि लिस्ट जो है 31,661 चयनित शिक्षकों की जारी कर दी गई है। पवन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, लंबा इंतजार सहायक शिक्षकों का और अब 31,661 चयनित शिक्षकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। किस कैटेगरी में से रखा गया है, किस आधार पर ये किया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द ही चयनित होंगे शिक्षक, लेकिन उस बीच हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब विरोध सामने आया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने शिल्पा, क्योंकि अब 21 दिन हो गए। 7 दिन में कहा था मुख्यमंत्री ने कि इस पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट करके नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन 21 दिन बाद ये लिस्ट जारी की गई है। उसके कई कारण हैं। पहला कि 69,000 टोटल शिक्षकों की भर्ती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको, उनका जो कोटा है उसको हटा करके 31,661 जो सीटें हैं उनकी काउंसलिंग उत्तर प्रदेश सरकार करा सकती है, लिहाजा उसकी काउंसलिंग उत्तर प्रदेश सरकार करने का फैसला किया था। लेकिन नियुक्ति के लिए एनआईसी से 3 दिन का स्लॉट मांगा गया था, जिसमें एनआईसी की ओर से तिथि निर्धारित करने के बाद काउंसलिंग शुरू की जानी होती है, लिहाजा उसकी वजह से भी कुछ लेट होने का काम हुआ। अब रास्ता साफ हो गया है और खासतौर से जो चयनित जो शिक्षक हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है, अब उनकी काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी बहुत आसान नहीं है, हो सकता है कि अभी इसमें और जो है आपको रुकावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग द्वारा इस पूरे मामले की सुनवाई पहले से की जा रही थी, उसमें तमाम अधिकारियों को तलब करने का काम किया था और पूरे 69,000 पे उसने रोक लगाने का काम किया था। उसका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का अलग मसला है, लेकिन जो कोटा और जातिगत और आंसर सीट और तमाम मसलों को लेकर के मामला पेंडिंग था उसको लेकर के सुनवाई हो रही थी। हालांकि अब सरकार ने जब सूची जारी कर दी है तो अब देखना होगा कि सरकार कैसे इसको आगे बढ़ाती है, क्योंकि अब उन लोगों का नाम सामने आया है जिनकी काउंसलिंग होनी है, मतलब उनका रास्ता साफ हो गया है। अब काउंसलिंग में ज्यादा देरी नहीं होगी, लिहाजा अब नियुक्ति पत्र भी सरकार आने वाले कुछ दिनों में बांटने का काम करेगी। ठीक, यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे पवन, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि काउंसलिंग होगी, उसके बाद भी ये नहीं है कि एकदम से सारी चीजें हो जाएंगी। और सहायक शिक्षक की अगर बात की जाए तो एक लंबा इंतजार उनकी तरफ से किया गया है, तो यही सोचेंगे जल्द से जल्द जितनी जल्दी नियुक्तियां उन्हें मिल सकती है वो मिल जाए। तकरीबन अगर हम एक निश्चित समय मानकर चले, लगभग कितना समय लग जाएगा जब ये जो सहायक शिक्षक है उनको नौकरियां मिल जाएंगी उनके हाथ में? देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मान के चलिए कि ये हफ्ता जो सहायक शिक्षक हैं उनको के लिए एक लॉटरी के तरह से होगी, क्योंकि तमाम सारी अड़चनों के बाद अब एक फाइनल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। लिहाजा ये मान करके चलिए कि इस हफ्ते के अंत तक इन सभी सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जानी चाहिए। अगर कोई बड़ा ट्विस्ट इसमें नहीं आता है या फिर से जो छात्र हैं या शिक्षा मित्र हैं या जो बच्चे जिनका चयन नहीं हुआ है, अगर वो कोर्ट का सहारा नहीं लेते हैं या कोई और अड़चन नहीं आती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला कर लिया है कि 31,661 जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र एक हफ्ते के अंदर दिया जाएगा। ठीक, चलिए, एक हफ्ते से ज्यादा का समय यहाँ पर लिया गया, 21 दिन, लेकिन राहत बड़ी खबर ये सहायक शिक्षक का भर्ती के लिए सामने निकल के आई है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए।